Kertész Döki, Yashasvi Maniniya Mukhyamantri Dr. Raman Singhji, Kertész Döki Maniniya Vidhan Sabha Adhyaksh Sri Gauri Shankar Ji Agarwal, छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री धर्मलाल जी कौशिक, मंत्रीगण श्री अजय चंद्राकर जी, श्री अमर अग्रवाल जी, श्री ब्रजमोहन जी अग्रवाल, श्री केदार कश्यप, श्री प्रेम प्रकाश जी पांडे, श्री पुन्नूलाल जी मोहले, श्री राजेश जी मूरत, श्री राम सेवक जी पैकरा, श्रीमती रामशीला साहू, श्री दयालदास बघेल, श्री महेश नागड़ा, श्री भैयालाल राजवड़े और छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव श्री विवेक दान। यहां उपस्थित छत्तीसगढ़ के मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ राज्य के 16वें राज्योत्सव के अवसर पर आप सबको अपनी तरफ से मैं हार्दिक बधाई देता हूं और आपको ही बधाई नहीं देता हूं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को तहे दिल में हार्दिक बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं उन महानुभावों का जिन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अपना योगदान दिया है और छत्तीसगढ़ का मस्तक सारे भारत में ऊंचा किया है और जिन्हें आज राज्य अलंकरण प्राप्त हुआ है, उन्हें भी बधाई देता हूं और उनका अपनी तरफ से भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, मुझे याद है जब इस देश में 3 राज्यों का गठन होने वाला था, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उस समय आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल का मैं भी एक मंत्री था, भूतल परिवहन मंत्री। जिस समय इन राज्यों के बंटवारे की चर्चा चलती थी तो लोग छत्तीसगढ़ और झारखंड दोनों राज्यों के भविष्य पर सवालिया निशान लगाते थे। लोग यह कहते थे कि जिस क्षेत्र को आप राज्य बनाने जा रहे हैं वह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि राज्य बनाने के पीछे जो आपकी मंशा है वह मंशा कभी भी फलीभूत नहीं होने पाएगी। लोग यहां तक कहते थे चाहे झारखंड जो आप राज्य बनाएंगे अथवा छत्तीसगढ़ राज्य बनाएंगे उसमें कोई नेता इतने बड़े राजनीतिक कद का नहीं है जो कि मुख्यमंत्री के रूप में छत्तीसगढ़ और झारखंड को चला सके और छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य को नेतृत्व दे सके। और यह सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की चर्चा नहीं करते थे जो राजनीतिक विश्लेषक और आर्थिक विश्लेषक थे, उनके द्वारा इस प्रकार की चर्चाएं सुनने को मिलती थी। लेकिन आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जनता की आकांक्षाओं को समझते हुए, उसका आदर करते हुए 3 राज्यों का गठन कर दिया और छत्तीसगढ़ राज्य का भी गठन उस समय हो गया। लेकिन जब आज 2003 के पहले से मैं छत्तीसगढ़ आ रहा, बहनों भाइयों 2003 क्या उसके पहले से बराबर आप छत्तीसगढ़ देखते चले आ रहे, कोई भी अपने कलेजे पर हाथ रखकर खुद से ही यह सवाल पूछेगा तो उसका दिल यह जवाब देगा, जो कुछ भी छत्तीसगढ़ में हुआ है 2003 के बाद वह सचमुच अपने में सुखद आश्चर्य है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। जिस राज्य के बारे में कुछ लोग कल्पना करते थे यदि राज्य बन गया तो उसका भविष्य अंधेरा हो जाएगा, आज उस राज्य की ऐसी हालत। और मैं देखने गया था रायपुर, जब पिछली बार आया था उसके पहले भी आया था, 2 बार देखा और आज भी आया हूं तो नया रायपुर जो बन रहा है उसे देखते हुए ही मैं यहां पर आया। मैं कह सकता हूं मेरे बहनों भाइयों, सारे हिंदुस्तान को देखा है, दुनिया के कई देशों में भी जाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं कहना चाहूंगा मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी से
कि आपने इस हिंदुस्तान में करिश्माई काम किया है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। हिंदुस्तान के जो बड़े योग्य मुख्यमंत्री और नेता माने जाते हैं, वह भी अब डॉक्टर रमन सिंह जी से यह पूछते हैं कि आपने इस नया रायपुर बनाने की योजना कैसे बनाई, इसका आर्थिक प्रबंधन आपने कैसे किया, इस संबंध में अब इनसे जानकारी प्राप्त करते हैं। और वही मैं सोच रहा था कि एक समय लोग कहते थे कि इतने बड़े कद का नेता छत्तीसगढ़ और झारखंड में कहां है जो कि छत्तीसगढ़ और झारखंड को नेतृत्व दे पाएगा। बहनों भाइयों, जन्म से किसी का कद बड़ा नहीं होता है, कद बड़ा होता है तो उसके काम से उसका कद बड़ा होता है, और इसको करके दिखा दिया डॉक्टर रमन सिंह। और आज आप छत्तीसगढ़ का लिए 16वां राज्योत्सव मना रहे हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले दीपावली का त्योहार आपने मनाया जिसे दीपोत्सव कहते हैं। दीपोत्सव समाप्त हुआ और आपने राज्योत्सव का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। आज औपचारिक रूप से उसका समापन हो रहा है। लेकिन जब मैं छत्तीसगढ़ के संबंध में विचार करता हूं तो इस नतीजे पर पहुंचता हूं, एक उत्सव ऐसा है छत्तीसगढ़ में जो लगातार चलता रहा। मैं आपसे यह पूछूं कि वह कौन सा उत्सव है जो छत्तीसगढ़ में लगातार चलता रहता है तो शायद आप न बता पाए, लेकिन याद दिलाऊंगा तो आप तालियां बजाने से भी बाज नहीं आएंगे। वह उत्सव जो लगातार छत्तीसगढ़ में अनवरत चलता रहता है, उस उत्सव का नाम है विकासोत्सव। विकास उत्सव जो कि लगातार चलता है। मैं देख रहा था वह आंकड़े क्या क्या हुआ है। अभी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 2003 में क्या हालात थे और आज क्या हालात हो गए, आश्चर्य हुआ मुझे देखकर। 2003 में जिस छत्तीसगढ़ राज्य का बजट केवल 7000 करोड़ रुपए का था, आज इस छत्तीसगढ़ राज्य का बजट 70000 करोड़ रुपया है। और प्रति व्यक्ति आमदनी उस समय जो 12000 रुपए की थी, मेरे बहनों भाइयों, आज वो आमदनी बढ़कर 82000 तक पहुंच गई। मैं कह सकता हूं कि हिंदुस्तान के किसी राज्य में इतने कम समय में इतनी तेजी के साथ प्रगति नहीं हुई है जैसी छत्तीसगढ़ में हुई है। और सारे देश भर में 11% 12% कृषि कर्ज पर ब्याज, लेकिन छत्तीसगढ़ में कोई ब्याज नहीं, 0% दर पर ब्याज। मैं मानता हूं कि छत्तीसगढ़ के बहनों भाइयों, आप सब सचमुच इस मामले में बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। इतनी तेजी के साथ प्रगति हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी जिस समय शपथ लिया उन्होंने, उसके बाद जब कुछ प्रेस के लोगों ने उनसे कुछ सवाल किए तो उन्होंने कहा, सवालों का जवाब तो बाद में दूंगा, पहली बात मैं कहना चाहता हूं, हमने जो सरकार बनाई है, हमारी सरकार, यह हिंदुस्तान के गरीबों को समर्पित है। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने भी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी सरकार को छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबों को समर्पित कर दिया है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ का विकास इतनी तेजी के साथ हो रहा है। मुझे जानकारी दे रहे थे कि 800 दिनों तक यह सिलसिला चलेगा। लोग आएंगे ग्रामीण क्षेत्रों से, दूर दराज से, प्रतिदिन 500 लोग आएंगे और 800 दिन तक यह सिलसिला चलता रहेगा। छत्तीसगढ़ में क्या हुआ है, क्या होने वाला है, इसके संबंध में वह जानकारी हासिल करेंगे और आकर यह देखेंगे कि हमारी राजधानी भी कैसी राजधानी है, इसके संबंध में भी वह जानकारी प्राप्त करेंगे। यह मुझे जानकारी दी गई। और एक व्यवस्था जो गरीबों के लिए की है, पीडीएस सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। बहनों भाइयों, शायद आपको जानकारी न हो कि हिंदुस्तान के
अधिकांश राज्यों में लोग यह शिकायत करते हैं कि जो लोगों को सस्ते दर पर अनाज दिया जाता है, चावल दिया जाता है, गेहूं दिया जाता है सस्ते दर पर, कई राज्यों से इस प्रकार की शिकायतें मिलती थी कि शायद उसमें भ्रष्टाचार। लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने जिस प्रकार का पीडीएस सिस्टम बनाया है, बहनों भाइयों, मैं कह सकता हूं कि आज हिंदुस्तान के दूसरे राज्य आज उसका अनुसरण कर रहे हैं और उसी प्रकार की पद्धति अपने राज्यों में अपना रहे हैं। सारे देश में उसकी सराहना हो रही है। इस प्रकार का काम यहां की सरकार ने किया है। मुझे लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह जी ने ठान लिया है कि हमारी छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे छत्तीसगढ़ के बहन भाई किसी के रहमो करम पर जिंदा नहीं रहेंगे, यदि जिंदा रहेंगे तो स्वाभिमान के साथ जिंदा रहेंगे, यह ठान लिया है, यह फैसला कर लिया। वही मुख्यमंत्री कर सकता है जो शासक के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में भूमिका निभाने की तड़पन जिसके दिल के अंदर, वही इस काम को कर सकता है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी यही कहा कि हम अपनी सरकार को गरीबों से को समर्पित करते हैं। तो आपने देखा होगा, आपकी जानकारी में होगा, पहला काम यह किया कि हिंदुस्तान के जो बैंक हैं वहां पर केवल पैसे वाले और धन्ना सेठ लोग ही जाएंगे या नहीं चलेगा, और हमारा जो गरीब है वह बैंक का दरवाजा देखकर, बैंक का गेट देखकर ही वह घबराने लगता है। शायद वह कल्पना भी नहीं किया होगा कभी कि मैं भी बैंक में के अंदर में घुस सकता हूं। उन्होंने कहा कि हम देश की अर्थव्यवस्था के साथ हिंदुस्तान के हर परिवार को जोड़ेंगे, और प्रधानमंत्री जनधन योजना हमारे प्रधानमंत्री ने प्रारंभ की, बहनों भाइयों, और 22 करोड़ लोगों के खाते इस हिंदुस्तान के बैंकों में भारत के इतिहास में पहली बार खुले। दुनिया में कहीं भी इस प्रकार की व्यवस्था नहीं, जो कि यहां पर हमारी केंद्र की सरकार ने जो है लागू किया है। अभी एलपीजी गैस सिलेंडर हमारी माताएं बहने गरीब परिवार में लकड़ी जलाती है, अंगीठी जलाती है, धुएं के कारण किस मुसीबत का सामना करना पड़ता है, जैसे लगता है कि 40 के बाद 45 उम्र होते होते जैसे लगता है कि बुजुर्गी चेहरे पर दिखाई देने लगती है, ये हालत हो जाती है, तरह तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने फैसला किया कि एलपीजी गैस सिलेंडर हम गरीब परिवारों तक पहुंचाएंगे जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाले हैं। और मुझे बेहद खुशी हुई कि यहां केवल 200 रुपए में भरा हुआ सिलेंडर और 2 बर्नर के साथ डॉक्टर रमन सिंह जी अपने छत्तीसगढ़ के गरीबों को मुहैया करा रहे हैं। ऐसे काम वही कर सकता है मेरे बहनों भाइयों जो काल्पनिक क्षमता का धनी होगा और जिसके दिल के अंदर गरीबों के प्रति कुछ कर गुजरने की तड़पन होगी, वही इस काम को कर सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति इस प्रकार के काम को नहीं कर सकता है मेरा मानना। राज्य सरकार भी और हमारी केंद्र सरकार दोनों देश के लिए करना चाहते, कर रहे हैं, करने की तड़पन है, और चाहते हैं कि हमारा पूरा भारत एक आर्थिक दृष्टि से समृद्धशाली भारत बने। यदि कहना हो तो हमारे देश के लोग ये चाहते हैं कि हमारा भारत जिसकी जनसंख्या लगभग 125 करोड़ की है वह विश्व की एक आर्थिक महाशक्ति बन जाए, यह हम भारत के लोग चाहते हैं। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, जिस तरीके से हमारी राज्य सरकारें काम कर रही हैं और जिस तरीके से हमारी केंद्र सरकार हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है, वह दिन दूर नहीं है कि शायद 15 से लेकर 20 वर्षों के अंदर हमारा यह 125 करोड़ की जनसंख्या का भारत विश्व की आर्थिक महाशक्ति बन जाएगा, और यह हमारा सपना साकार होकर रहे।
वह दिन दूर नहीं है, यह काम होगा। जनता के स्वाभिमान की भी चिंता की। एक हम लोगों ने कहा, अब देखिए छोटा एक मैं उदाहरण आपको देता हूं। पहले क्या होता था, कोई छोटा बच्चा या पढ़ने वाला, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाला कोई अपनी सर्टिफिकेट यदि उसे अटेस्ट कराना होता था, सत्यापित कराना होता था, तो उसे एमएलए साहब के पास जाना होता था, एमपी साहब के पास जाना होता था, या किसी गजटेड अधिकारी के पास जाना होता था, तब जाकर उसकी सर्टिफिकेट अटेस्ट होती थी यानी सत्यापित होती थी। हमारे प्रधानमंत्री ने यह कहा कि वह नौजवान भी हमारे भारत का नागरिक है, सम्मानित नागरिक है, हम क्यों ना उसके ऊपर यकीन करें। इसलिए उन्होंने कहा कि अब किसी सर्टिफिकेट को अथवा किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को सत्यापित कराने के लिए किसी एमएलए एमपी अथवा अधिकारी के पास जाने की जरूरत नहीं होगी, वह व्यक्ति अपने आप हस्ताक्षर कर दे, सत्यापित लिखकर हस्ताक्षर कर देगा, वह सर्टिफाइड मान लिया जाए। ठीक है, किसी सेवा में जाना है, यदि उसको नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद उसको अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखानी है। छोटी छोटी बातें जिसे प्रक्रियात्मक परिवर्तन कहते हैं, प्रोसीजरल चेंज कहते हैं, हमारे देश में हमारी सरकार ये ला रही है। अब हमारे बहुत यहां पर कुछ वकील भी बैठे होंगे, डॉक्टर भी बैठे होंगे, जिनको प्रोफेशनल कहा जाता है, टीचर्स बैठे होंगे। अब इनकम टैक्स को लेकर बहुत ज्यादा बहुत बड़ी समस्या रहती है। अब हमारी सरकार ने यह फैसला कर लिया कि आपकी यदि साल भर में 50 लाख की यदि आमदनी होती है वकील साहब, तो 50 लाख पर आपको इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, 25 लाख आपका खर्चा मान लिया जाएगा और इनकम टैक्स और 25 लाख पर ही आपको देना है। व्यापारी है, व्यापारी है, 2 करोड़ रुपए तक का वह व्यापार करे, कोई जरूरत नहीं है खाता बही अथवा कोई बुक मेंटेन करने की, कोई जरूरत नहीं। क्यों बार बार अधिकारी उसके दरवाजे पर जाकर दस्तक दे, बार बार उसे परेशान होना पड़े, क्यों यह होना चाहिए? तो हमारी सरकार ने फैसला किया कि कोई भी व्यापारी यदि 2 करोड़ रुपए तक का टर्नओवर उसका है, 2 करोड़ रुपए तक का यदि वह व्यापार करता है, तो उस व्यापारी को कोई किताब मेंटेन करने की कोई जरूरत है नहीं है, न खाता न बही, जो वह कह दे वही सही, यह हमारी सरकार ने फैसला किया। और 2 करोड़ पर हम मानकर 8% की दर से इनकम टैक्स लगाएंगे। ये छोटे छोटे फैसले। और बहनों भाइयों, पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में पारदर्शिता कैसे लाई जाए, इस दृष्टि से भी कई योजनाएं चली हैं। उन सारी योजनाओं के मैं विस्तार में यहां पर नहीं जाना चाहता। डिजिटल इंडिया की योजना, ऑनलाइन सारा काम ऑनलाइन होगा, यानी आदिवासी क्षेत्र में बैठा हुआ हमारा आदिवासी नौजवान भी कोई प्रार्थना पत्र देना होगा तो इंटरनेट पर बैठेगा और अपनी उंगलियों को चलाएगा और सीधे वहीं से प्रार्थना पत्र, मुंबई में भी देना है, कलकत्ता में देना है, अमेरिका में देना है, वहीं से वह दे सकता है। स्वाभाविक है, जहां किसी काम में सहजता और सरलता पैदा होगी वहीं पर पारदर्शिता भी आएगी। इसलिए यह सब सारी योजनाएं हमारी सरकार ने प्रारंभ की है। मुझे याद है कि मैं छत्तीसगढ़ में एक बार जब आया था और मैं रुका था, वह था 1995। एक स्थान पर मैं रुका था, रात को बिजली चली गई थी तो मैं रात को सो नहीं पाया। लेकिन आज छत्तीसगढ़ की हालत ऐसी हो गई है, छत्तीसगढ़ में केवल 24 घंटे बिजली ही नहीं मुहैया कराई जा रही है, बल्कि सरप्लस यदि पावर किसी राज्य के पास है तो वह छत्तीसगढ़ के पास है, जो कि दूसरे राज्यों को भी बिजली बेचने का काम कर रहा है। यह सब सारी चीजों को देखने के बाद, जैसा मैंने कहा कि मेरे मित्रों, सचमुच मुझे बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। लेकिन जिस छत्तीसगढ़ में इतना तेजी के साथ विकास हो रहा है, माओवादी गतिविधियां,
यह हम सबके लिए चिंता का विषय है। लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूं डॉक्टर रमन सिंह जी को कि आपने सचमुच इस चुनौती को स्वीकार किया है और आपको कामयाबी हासिल हो रही है। केंद्र सरकार से और अधिक जितनी भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो हम सहयोग मुहैया कराएंगे। और मैं आदिवासी बहनों भाइयों से कहना चाहता हूं कि एक माओवादी नहीं चाहते हैं कि आपके गांव तक सड़क पहुंचे, नहीं चाहते हैं कि आदिवासी बच्चों को शिक्षा मिले, नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासी संचार सुविधाओं का लाभ उठा सके, नहीं चाहते हैं कि हमारे आदिवासी नौजवानों को, हमारे गरीब नौजवानों को रोजगार का अवसर मुहैया हो पाए। पहले भी मैं अपील कर चुका हूं कम से कम कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां यदि वह ठप कर दें, उन क्षेत्रों का विकास करके हमारी सरकार दिखा देगी कि विकास किसे कहते हैं। चीन जो माओवाद का बहुत बड़ा समर्थक था, अब चीन में माओवाद का भविष्य समाप्त हो गया है, लेकिन यहां पर माओवाद के भविष्य को बनाने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, यह नहीं चलेगा। इसलिए पहले भी कह चुका हूं, आज भी मैं दोहराना चाहता हूं कि आप इस काम को छोड़िए, आपको इस काम को छोड़ना चाहिए, नहीं तो आपको इस काम को छोड़ना पड़ेगा। पहले भी बोल चुका हूं और आज भी इस बात को मैं दोहराना चाहता हूं। आज भारत दुनिया में जितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था दुनिया के किसी देश की है तो मेरे बहनों भाइयों हमारे और आपके देश भारत की है। फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड भारत की है। कुछ ऐसे कुछ देश हैं जिनको की जलन हो रही है, वो भारत को अस्थिर करना चाहते हैं, भारत को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं, जैसा सशक्त नेतृत्व भारत को मिला है हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के रूप में, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, दुनिया की कोई भी ताकत भारत को कमजोर नहीं कर सकती है। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं। एक हमारा पड़ोसी देश है, बार बार आतंकवाद का सहारा लेकर भारत को परेशान करने की कोशिश करता है, भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। शायद इस हकीकत को वह नहीं समझता है कि आतंकवाद ये बहादुर लोगों का हथियार नहीं होता है, बल्कि आतंकवाद हथियार होता है तो कमजोर लोगों का हथियार होता है। और आपने देखा कि अभी कुछ ही दिनों पहले हमारी सेना के जवानों को किस तरीके से छुप कर मार डाला। लेकिन मेरे बहनों भाइयों, आपने देखा होगा उसके बाद हमारे सेना के जवानों ने जो करिश्माई काम किया है, उसके बाद तो फिर बोलने की जरूरत नहीं। इतना ही मैं यकीन आपको दिलाना चाहता हूं, इतना ही यकीन दिलाना चाहता हूं मेरे बहनों भाइयों, यकीन रहना, जब तक यह सरकार है भारत का मस्तक किसी भी सूरत में हम झुकने नहीं देंगे, आपको यकीन दिला। और यह भी हकीकत है, जब हिंदुस्तान के सभी राज्य प्रगति करेंगे तभी हिंदुस्तान भी प्रगति कर सकता है। अकेले केंद्र सरकार भी करना चाहे इस देश का विकास नहीं, सभी राज्यों का सहयोग चाहिए। और जैसे हमारे डॉक्टर रमन सिंह जी इस समय काम कर रहे हैं और हमारी जो सरकार है, हमारे मध्य प्रदेश की सरकार शिवराज सिंह जी चौहान, राजस्थान में हमारी वसुंधरा जी, हमारे गुजरात की हमारी सरकार को जाकर कोई देखे, स्वाभाविक रूप से इन सरकारों के कामकाज को देखने के बाद कोई इस नतीजे पर पहुंचेगा कि काम करने का हुनर, काम करने की कला इन सरकारों के पास। जैसा मैंने पहले कहा कि सचमुच भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने से मेरे बहनों भाइयों दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, यह मेरा पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। और आज के अवसर पर
मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ ने जितनी तेजी के साथ प्रगति की है और जितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, शायद कुछ वर्षों के अंदर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि केवल भारत के लोग ही छत्तीसगढ़ को देखने नहीं आएंगे, बल्कि शायद दुनिया के दूसरे देशों के लोग भी छत्तीसगढ़ आकर देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में कैसा होगा। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर रमन सिंह जी को काम करते हुए 12 साल या 13 साल कितने हुए, 13 साल यह हालत है। आप यह कल्पना कीजिए, भारत 1947 में आजाद हुआ था, यदि उस समय भी हम लोगों ने भी इतनी ही तेजी, इतनी तेज रफ्तार के साथ यदि काम किया होता, इतनी लगन के साथ यदि हम सब लोगों ने काम किया होता, तो मैं समझता हूं कि 30 से लेकर 40 वर्षों के अंदर भारत भारत बन गया होगा। लेकिन वह नहीं होगा, देर से ही सही, लेकिन अब भारत की विकास की गति तेजी के साथ बढ़ी है। और बहनों भाइयों, भारत विश्व की महाशक्ति हम नहीं बनाना चाहते, बल्कि हम तो, हमसे यदि कोई पूछे क्या भारत को बनाना क्या चाहते हो, तो मैं कहता हूं कि मैं केवल भारत को महाशक्ति नहीं बनाना चाहता, हम भारत को तो सचमुच विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। कि लोग ये सवाल पूछते हैं कि भारत को आप महाशक्ति क्यों नहीं बनाना चाहते, भारत को विश्व गुरु आप क्यों बनाना चाहते हैं, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत ताकतवर हो जाता है, जो बहुत बलवान होता है, उसके बगल में खड़े होने में लोगों को थोड़ा भय लगता है। तो हम ऐसे हालात भारत दुनिया में नहीं पैदा करना चाहते कि हमारे बगल में किसी देश को खड़े होने में भय लगे, बल्कि हम तो ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जैसे किसी गुरु के बगल में खड़े होने से अनुकूल संवेदना होती है, बहुत ही अनुकूल अनुभूति होती है, सुखद अनुभूति होती है। ऐसे हालात हम हिंदुस्तान में पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि भारत ही इकलौता विश्व का एक ऐसा देश है जिस देश की धरती से ऋषियों और मनुष्यों ने पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। हमने अपने देश की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि सारी दुनिया में रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य माना है। और इसी सोच और समझ के आधार पर ही हमारे देश के ऋषियों और मनुष्यों ने सारे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है कि धरती पर रहने वाले जो लोग हैं सभी हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारे देश का आर्थिक विकास भी हो और उसके साथ साथ हमारे देश का सांस्कृतिक विकास भी हो, तभी जाकर भारत यह विश्व गुरु बन पाएगा। और मैं देख रहा हूं कि केंद्र के स्तर पर भी और राज्य के स्तर पर भी आर्थिक विकास और सांस्कृतिक विकास दोनों की चिंता हमारी सरकारें कर रही हैं, और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले लोगों को आज डॉक्टर रमन सिंह जी ने सम्मानित किया है, वो प्रत्यक्ष आप लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। बहनों भाइयों, सचमुच मैं हृदय की गहराइयों से डॉक्टर रमन सिंह जी को, उनकी पूरी सरकार को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं इस छत्तीसगढ़ राज्य के 16वें वर्षगांठ के अवसर पर, और साथ ही साथ मैं छत्तीसगढ़ की जनता को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और जनता का जिस प्रकार से हमें सहयोग मिल रहा है छत्तीसगढ़ में, यदि भविष्य में भी इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहा तो शायद छत्तीसगढ़ में आगामी एक दशक के अंदर गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने वाला कोई बचेगा नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है, मुझे ऐसा भरोसा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको अपनी इस छत्तीसगढ़ राज्य के 16वें वर्षगांठ पर हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।